आइडिया फ्रॉम ओल्ड चाइल्ड। जी हाँ, पुरानी शर्ट से दो मस्त आइडिया लेके आई हूँ आपके लिए और आपको दोनों ही बहुत पसंद आएंगे। तो ये जो पहला आइडिया है ना, ये समर में आप बिल्कुल यूज करिए, आपको बहुत पसंद आएगा और इसमें कोई नाप की कोई झंझट ही नहीं है, मतलब बिना मेजरमेंट लिए आप इसको बना सकते हैं। शर्ट को अच्छे से सेट कर लीजिए और सबसे पहले इसकी स्लीव्स को हटा दीजिए। आर्मों से निशान लगाते हुए ऊपर की ओर आएंगे और ऊपर शोल्डर की तरफ सिर्फ 2 इंच छोड़ेंगे, आप 2.5-3 इंच भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं हॉल्टर नेक बना रही हूँ तो इसके लिए आपको शोल्डर को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। शर्ट को इस तरीके से दोनों साइड से पकड़ करके सीधा कर लें और एक बराबर हम आर्मोल को ज्वाइन कर लेंगे और जो निशान लगाए हैं उसको हम कट कर लेंगे। तो आप इस तरीके से भी कट कर सकते हैं या फिर आप दोनों पार्ट को अलग अलग भी कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं निशान भी मैच कर रही हूँ और एक साथ इसको कट कर लूंगी। आर्मोल को ठीक करने के बाद अब नीचे स्ट्रेट लाइन मिला देंगे क्योंकि हल्का सा कर्व है। अगर आपकी शर्ट सीधी है तो इसको ऐसे छोड़ दें, नहीं तो आप इसको एक बराबर सीधा कर लें। अब जितना भी एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है और आपको सुई धागे से हेमिंग करनी है। ये काम मैं बिना मशीन के बता रही हूँ, अगर आप मशीन चलाना चाहें तो मशीन भी चला सकते हैं। तो बस आपको सिंपल इसको हेमिंग करनी है और ये आराम से आपका बिना किसी कपड़े के बिना किसी पाइपिंग के स्टिच हो जाएगा। यहाँ पर आर्मोल से 2 इंच ऊपर आपको निशान लगाना है और उसको हल्का सा कर्व इस तरीके से मिला देना है। ये है फिटिंग के निशान, तो कोई नाप नहीं है, एकदम फ्री साइज बनेगा फिर भी प्रॉपर फिटिंग होगा। तो बस सिंपल आर्मोल थोड़ा सा ऊपर जाएंगे 2 इंच और इस तरीके से हल्का सा कर्व कर देंगे और निशान लगाएं। इसको आप हाथों से स्टिच कर सकते हैं या फिर मशीन चला सकते हैं। और ये जो स्लीव्स है जो हमने कट करी थी, इसको हम फ्रिल की तरह यूज करेंगे, ये ऑप्शनल है। दोनों स्लीव से 4 मैंने टुकड़े इस तरीके से निकाल दिए हैं। अब इनको ज्वाइन कर लेंगे एक साथ, उसके बाद ऊपर की ओर फोल्ड कर देंगे। ये देखिए फ्रिल को मैंने ऊपर से स्टिच कर लिया है, अब इनको इसमें ज्वाइन कर देंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि फ्रिल के दोनों कॉर्नर जो एंड होते हैं वो सब फ्रंट में आए ताकि वो शर्ट के संग पूरा मैच कर जाए। तो बस छोटी छोटी सी चुनटे डाल देंगे, पूरे जितना हमारे पास कपड़ा है उसी के अकॉर्डिंग छोटी छोटी सी आप चुनटे डाल दीजिए इस तरीके से। उसके ऊपर फिर एक टॉप स्टिच लगा दीजिए। बस कुछ ही मिनट में शर्ट से नई ड्रेस रेडी है। ये देखिए ऑसम आइडिया है, यस मुझे बहुत पसंद आया और सबको बहुत पसंद आया। आप इस ड्रेस को समर में आराम से पहन सकते हैं, अपने बच्चों को के लिए भी बना सकते हैं। बहुत स्मार्ट सी लग रही है और सबसे बड़ी बात इसमें कुछ भी करना ही नहीं है, सिर्फ आपको हल्टर नेक बनाना है कट करके और नीचे फ्रिल अटैच करनी है और बन जाएगी एक बढ़िया सी ड्रेस। पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और मुझे कमेंट करिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके पास आते रहें। सेकेंड आइडिया को मैं कुछ अलग तरीके से यूज़ करूंगी। इसमें भी देखिए नीचे पूरा इक्वल कर दिया, जो कर्व था उसको स्ट्रेट कर दिया कट करके, और इसमें भी हम स्लीव्स को हटा देंगे। इससे मैं कोई नई ड्रेस नहीं बना रही हूँ, इससे मैं बना रही हूँ सारी ड्रेसेस को रखने के लिए बड़ा सा स्टोरेज बैग, अलमारी, आप कुछ भी कह सकते हैं। स्लीव्स को कट करने के बाद इसको उल्टा कर लें। यहाँ पर मैं इसको मशीन का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आपके पास मशीन नहीं है तो आप बिना मशीन के, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा स्टिच ही नहीं है, आप बिना मशीन के इसको बना सकते हैं। बटन से बटन मतलब ज्वाइन कर लीजिए ताकि कपड़ा आपका बिल्कुल भी ना भागे। बस इस तरीके से ज्वाइन करने के बाद पूरा जो हमने कट करा था नीचे उसको हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए एक हो गई सिलाई, अब हम इस शोल्डर को भी ज्वाइन कर लेंगे। शोल्डर को सिर्फ एक सिलाई से जोड़ देंगे और इसको हल्का सा तिरछा करते हुए पूरा इसको सिर्फ एक ही सिलाई में सिलना है, ठीक है? तो दोनों साइड में इसी तरीके से ज्वाइन कर लेंगे।
अब शर्ट में जहाँ नीचे की ओर हमने सिलाई करी थी उसी कॉर्नर पे दोनों साइड पे आपको ब्लॉक्स बनाने हैं, दो दो इंच से ढाई ढाई इंच के आपको इस तरीके से स्क्वायर बना ले और इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाता है शेप वाला काम। जी हाँ, इसको कट करने से आपका ऑर्गेनाइजर बहुत चौड़ा और गहरा बन जाएगा। अब जो पार्ट हमने कट करा है इसको इस तरीके से ओपन करिए और इसके ऊपर एक सिलाई कर दीजिए। इसके बाद कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करिए, इसके ऊपर एक और सिलाई कर लीजिए, तो आपको पाइपिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम दूसरे कॉर्नर को भी इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। तीन सिलाई में शर्ट से एक पूरी अलमारी रेडी है। जी हाँ, ये है अलमारी जिसमें आप अपने बहुत सारे कपड़े रख सकते हैं। झटपट बनने वाला स्मार्ट सा ऑर्गेनाइजर है जिसमें आप कहीं पे भी रख सकते हैं अपने कपड़े और इसको कहीं पे भी होल्ड कर सकते हैं। हैंगर इसके अंदर डालिए और ये रेडी है यूज करने के लिए। नीचे आप कार्डबोर्ड लगा ले तो इसे यूज कर सकते हैं। कहीं पे भी होल्ड करिए, कहीं पे भी आप इसे हैंग करिए, इसमें बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। फोल्ड करके रखेंगे तो आप दोनों साइड आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें करे हैं ये देखिए। और बटन लगा करके इसको आप प्रॉपर बंद कर सकते हैं, तो जिप लगाने का कोई झंझट नहीं है, प्रॉपर बंद रहेगा। कपड़े भी आपके एकदम डस्ट प्रूफ रहेंगे और आप जब बटन खोलें आपको आराम से कपड़े दिख भी जाएंगे। तो एकदम सीक्रेट स्पेस है कपड़ों को रखने का, आपको बहुत पसंद आएगा। छोटा सा ये पॉकेट भी आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ अर्जेंट जैसे कार्ड वगैरह रखने हैं तो आप इसको इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल है, सिर्फ तीन सिलाई में एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजर बन गया जिसको आप पूरे समर में एंजॉय कर सकते हैं। अपने विंटर के कपड़े रखिए, समर के रखिए या फिर अपने बच्चों के कपड़े रखिए, ये सबके काम आने वाला है। तो पुरानी शर्ट से मैंने बनाया है इतना प्यारा सा ऑर्गेनाइजर जिससे सबका भला होने वाला है, और एक शर्ट से बनाया है एक प्यारी सी ड्रेस। आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।